नेक्स्ट में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग आज जो टीजीटी 2021 का पेपर हुआ है एग्रीकल्चर का, उसका हम लोग यहाँ पे फुल क्वेश्चन पेपर जो है विथ आंसर देखने वाले हैं। इसका हम सॉल्व पूरा हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, क्योंकि आप सबको पता है कि 18 तारीख को पीजीटी एग्रीकल्चर का पेपर है। तो ये जो वीडियो है वो जो पीजीटी एग्जाम देने वाले कैंडिडेट्स हैं उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप लोग इसको देख के जाइएगा, लगभग जो क्वेश्चंस है आपके ऐसे ही इसी टाइप के आएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे पूरा क्वेश्चन और उसका क्या आंसर होगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले कहूँगी कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। तो चलिए देख लेते हैं हम लोग इस क्वेश्चन और इस आंसर को। दोस्तों, आप सबको बता दें कि ये जो क्वेश्चन पेपर है मुझे मेरे एक मित्र ने मुझे दिया, जिनको मैं थैंक यू बोलती हूँ। तो ये जो क्वेश्चन पेपर है मेरा नहीं है, मैं पहले आपको बता दे रही हूँ। तो इसमें जितने भी क्वेश्चन अभी मुझे जब से क्वेश्चन पेपर मिले हैं मैंने कोशिश किया इसको सॉल्व करने का। तो आप सबको बता दूँ, क्योंकि यहाँ प्योर एग्रीकल्चर के क्वेश्चन आए हैं तो मैंने लगभग सभी क्वेश्चन को सॉल्व किया है, लेकिन जहाँ मुझे डाउट था मैंने छोड़ दिया है, मैं पहले ही आप लोग को बता दे रही हूँ। तो आप लोग उसका आंसर मुझे ज़रूर बताइएगा। तो चलिए हम लोग एक एक करके सारे क्वेश्चंस को देख लेते हैं। तो जो पहला क्वेश्चन है आप यहां पर देख रहे हैं, यहां पूछा जा रहा है एम्ब्रियो डोरमेंसी इज फाउंड इन फ्रूट, जिस फल जिसमें एम्ब्रियो डोरमेंसी पाया जाता है। इंग्लिश और हिंदी दोनों में दिया हुआ है, आपकी सुविधा के लिए हम दोनों ही लैंग्वेज में यहां पर मिला के क्वेश्चन का आंसर देखेंगे। तो एम्ब्रियो डोरमेंसी जो है वो कौन से फ्रूट में पाया जाता है, तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर ए, लीची। अब हम लोग सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस इज फाउंड इन विच ऑर्डर, कौन से ऑर्डर में जो है इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस पाया जाता है। तो क्वेश्चन ई होगा। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर थ्री जो है, उसमें कहा जा रहा है भारत में विकसित पहली बौने चावल की प्रजाति, ड्वार्फ वेराइटी ऑफ राइस जो है इंडिया का पहला कौन है। तो ये आप सब जानते हैं, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, जया। फिर हम लोग चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर जो फोर है, उसका राइट आंसर क्या होगा। इनिशिएशन ऑफ मिल्क सिक्रेशन इज कॉल्ड मिल्क, इनिशिएशन ऑफ मिल्क सिक्रेशन जो है इसको क्या कहते हैं, इसका राइट आंसर होगा आपका और क्वेश्चन नंबर चार का ऑप्शन नंबर ए, लैक्टोजेनेसिस। क्वेश्चन नंबर पांच में कहा जा रहा है पूसा मंजरी एंड पूसा नवीन आर द प्रोमिनेंट कल्टीवर्स ऑफ, इसका जो है क्वेश्चन नंबर पांच का जो है पूसा मंजरी और ये किसकी नवीन वेराइटी है, किसकी जो है ये प्रोमिनेंट कल्टीवर्स किसका है, पूसा मंजरी और पूसा नवीन। तो इसका जो राइट आंसर होगा पांच का सी होगा, लौकी बॉटल गार्ड होगा। क्वेश्चन नंबर छः जो है आप देख सकते हैं, द लाइन्स ज्वाइनिंग द प्लेसेस हैविंग इक्वल एटमोस्फेरिक प्रेशर आर, इसको हम क्या कहते हैं। क्वेश्चन नंबर छः जो है उसका राइट आंसर आपका होगा आइसोबार। क्वेश्चन नंबर सेवन में कहा जा रहा है व्हिच वन ऑफ इज ए रेगुलर बियरिंग वेराइटी ऑफ मैंगो, मैंगो का रेगुलर बियरिंग वेराइटी जो है वो आपका राइट आंसर ये होगा, सी होगा इसका। क्वेश्चन नंबर एट जो है यहाँ पर आप देखिए, क्वेश्चन नंबर एट जो है इसमें मुझे थोड़ा सा डाउट लग रहा है इसलिए मैंने इसको छोड़ दिया। आप लोगों को अगर इसका राइट आंसर पता है तो आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। क्वेश्चन नंबर नाइन जो है आप यहाँ देख सकते हैं, वाइल्ड कंटेंट इन वाइल्ड बियरिंग प्लांट्स इज इंक्रीज बाई यूज ऑफ, तो इसका जो राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर नाइन का वो होगा ऑप्शन नंबर ए, सल्फर। यहाँ आप देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर टेन जो है यहाँ पर कहा जा रहा है कि तने में चारों तरफ से चिपकने वाली पट्टी को लगातार किस कीट को प्रभावी ढंग से नियंत्रित किया जा सकता है। तो यहाँ पर जो है एप्लीकेशन ऑफ स्टिकी बैंड अराउंड द ट्री स्टेम इज मोस्ट इफेक्टिव फॉर कंट्रोल ऑफ, क्वेश्चन नंबर टेन का जो है राइट आंसर होगा इसका मैंगो स्टेम बोरर होगा, इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। दोस्तों, अगर आपको कहीं पर कुछ लग रहा है, जरा सा भी डाउट लग रहा है, तो आप लोग मुझे जो है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, अगर मैं किसी भी क्वेश्चन का आंसर गलत बता रही हूँ तो। क्योंकि आप लोग जितने भी एग्रीकल्चर वाले हैं इसका आंसर बहुत अच्छे से सही ढंग से बता सकते हैं, तो आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 देख रहे हैं, यहाँ पूछा जा रहा है SNF स्टैंडर्ड फॉर सॉलिड नॉट फैट SNF कंस्टिट्यूएंट्स इन बफेलो मिल्क, बफेलो मिल्क में जो है आपका SNF कितना होता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 11 का जो है राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी होगा, 9.2 होगा। फिर कहा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 12 में कहा जा रहा है गरीबी हटाओ नारा किसने दिया था, ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। आपको बता दें क्वेश्चन का लेवल काफी इजी है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर
सी इंदिरा गांधी, ये आप सबको पता है। और फिर क्वेश्चन नंबर 13, चलिए देखते हैं, इन विच रीजन ड्रिप इरीगेशन इज सुटेबल। इसका राइट आंसर होगा आपका शुष्क ड्राई रीजन। क्वेश्चन नंबर 14, सल्फर रिमूवल बाय द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ क्रॉप इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर। क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर आप लोग मुझे बताइएगा। ये भी प्योर एग्रीकल्चर का एकदम क्वेश्चन आ गया, जो कि हम डीप में पढ़ेंगे तो ही इसका आंसर निकाल सकते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 15 जो है उसका राइट आंसर होगा, व्हिपटेल इज ए डिसऑर्डर ऑफ कॉलीफ्लावर ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ, ये किसकी डिफिशियंसी से होता है। क्वेश्चन नंबर 5 का जो है, क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, मॉलिब्डेनम। क्वेश्चन नंबर 16, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर वायरल डिजीज ऑफ कैटल। इसमें जो है क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर होगा डी, ये सब वायरल डिजीज है। क्वेश्चन नंबर 17 है, प्रोजेनी ऑफ द ब्रीडर सीड इज, इसका राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 17 का, प्रोजेनी ऑफ ब्रीडर सीड, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, फाउंडेशन सीड। ये सब तो बहुत ही इजी इजी क्वेश्चन है। मैंगो कल्टीवर विच रिटेन्स इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स फ्लेवर इवन ड्यूरिंग प्रोसेसिंग, तो इसका राइट आंसर भी होगा ऑल ऑफ दिस, ऑप्शन नंबर डी। फिर आप देखते हैं लोअर लेयर ऑफ एटमोस्फेयर, वायुमंडल की निचली निचली परत को हम लोग क्या कहते हैं। 19 का होगा ऑप्शन नंबर ए, स्ट्रोपोस्फीयर कहते हैं। फिर आप ये देख ले सकते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर बी 20, आप ये देखिए 20-21 में जो है थोड़ा सा डाउट है, आप लोग इसको इस क्वेश्चन को, दोनों क्वेश्चन को देख के इसका आंसर जरूर बताइएगा। फिर हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पे, डोका एंड डैंग आर द फ्रूट डेवलपमेंट स्टेज ऑफ, इसका जो राइट आंसर है 22 का राइट आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर सी, डेट पाम होगा। क्वेश्चन नंबर 23 में कहा जा रहा है द फ्रूट ऑफ कैस्टर इज नोन एज, इसका राइट आंसर होगा आपका कैप्सूल। क्वेश्चन नंबर 24 कृष्णा एंड कंचन आर वेराइटीज ऑफ, कृष्णा और कंचन जो है वो आपका किसका वेराइटी है, आमला का। फिर आप देखिए ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 25 में जो है रेनफॉल स्टिमुलेटर इज यूज्ड फॉर, ये जो है इसका जो है ए और बी सी दोनों होगा, सॉइल लॉस स्टडीज़ के लिए भी और रेनफॉल स्टडीज़ के लिए भी हम लोग रेनफॉल स्टिमुलेटर को यूज करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 25 का जो राइट आंसर है वो आपका होगा ऑप्शन नंबर डी। फिर चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26 में कहा जा रहा है कि यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स है, इज द टॉलेस्ट ब्रीड ऑफ शीप, टॉलेस्ट ब्रीड ऑफ शीप क्या होगा, तो ये आप सब जानते हैं ऑप्शन नंबर सी, नेलोर जो है टॉलेस्ट ब्रीड ऑफ शीप इन इंडिया रिजेम्बलिंग गोट इन अपियरेंस, जो कि आपको दिखने में बकरी की तरह लगता है। क्वेश्चन नंबर 27 जो है, निम्नलिखित में कौन सा एक पौधों से निकला हुआ पेस्टिसाइड नहीं है। क्वेश्चन नंबर 27 का जो है राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, एड्रीन होगा इसका राइट आंसर। फिर हम क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 28 का जो है नाइट्रोजन फिक्सेशन इज कैरिड आउट बाय एंजाइम, ये होगा नाइट्रोजिनेज। फिर आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 29 जो है वो आपका रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम आर रिलेटेड टू, ये आ गया एक्सटेंशन से, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इसका राइट ऑप्शन जो है वो होगा आपका ऑल ऑफ दिस, डी होगा। फिर हम आगे बढ़ते हैं, द रेड कलर ऑफ टोमेटो इज ड्यू टू, रेड कलर ऑफ टोमेटो इज ड्यू टू, इन्होंने जो क्वेश्चन का आंसर किया है वो गलत है, इसका राइट ऑप्शन आपका ऑप्शन नंबर सी होगा, एंथोसाइनिन होगा, इसका राइट आंसर बी होगा। फिर आप चलिए आप यहाँ देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 31 में कहा जा रहा है, करन स्विस ब्रीड ऑफ काउ इज ए क्रॉस बिटवीन, किसका क्रॉस है करन स्विस जो है, क्वेश्चन नंबर 31 का जो राइट आंसर आपका होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। फिर आप ये देख सकते हैं कैल्शियम मैग्नीशियम और सल्फर आर कॉल्ड एज, ये जो है आपका ये सेकेंडरी न्यूट्रिएंट्स है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। आप यहाँ पर फिर 33 में कहा जा रहा है कि द फर्स्ट कृषि विज्ञान केंद्र वाज एस्टेब्लिश्ड इन द ईयर, ये आप सब जानते होंगे, 33 का राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी है, 1974। फिर द प्रैक्टिस ऑफ कल्टीवेशन इन द वाटर इज टर्म्ड एज, ये तो बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 34 का राइट आंसर हाइड्रोपोनिक होगा। जेस्टेशन पीरियड ऑफ काउ इज ये 283 डेज होता है, ये आप सबको पता है ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर फिर आप यह देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 36 जो है ये भी आपका आ गया जो मैच करने वाला है, इसका राइट आंसर क्या होगा आप लोग इसका निकाल के मुझे बताइएगा, और ये एकदम प्योर एग्रीकल्चर का है, थोड़ा डाउटफुल था तो मैंने इसको छोड़ दिया है। फिर क्वेश्चन नंबर 37 आप देख सकते हैं जहाँ पे कहा जा रहा है ट्रेनिंग अंडर ट्राइसेम इज मेनली गिवेन टू, तो ये इसका राइट आंसर होगा रूरल यूथ्स, ऑप्शन नंबर बी।
फिर यहाँ कहा जा रहा है NIRD अंडर मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट इज लोकेटेड एट, ये जो है आपका NIRD हैदराबाद में है, इसका राइट ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन नंबर 39, क्रिटिकल सॉइल टेस्ट लेवल अप्रोच वाज गिवन बाय, क्वेश्चन नंबर 39 का जो है राइट आंसर आपका होगा केट एंड नेल्सन, ये जो इन्होंने किया है ये गलत है, बी नहीं होगा, इसका ए होगा। क्वेश्चन नंबर 40 अब हम लोग देखते हैं, यहाँ कहा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 40 में, द क्लाउड विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंटिन्यूअस प्रेसिपिटेशन इज कॉल्ड एज, क्वेश्चन नंबर 40 का राइट आंसर होगा आपका यही ऑप्शन नंबर ए, निम्बो स्ट्रेसस। फिर चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 41 में है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ मिल्क इज, क्वेश्चन नंबर जो आपका ये है इसका होगा राइट आंसर 41 का जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। दोस्तों आप सबको बता दें, अगर आप लोगों को ये क्वेश्चन पेपर फुल PDF चाहिए तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए, मैं इसको टेलीग्राम पे आपको यहाँ अवेलेबल करा दूंगी, मेरे टेलीग्राम पे आपको फुल क्वेश्चन मिल जाएगा PDF, आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर 50 लोग कमेंट करते हैं तो मैं इसको टेलीग्राम पे अपलोड कर दूंगी, कम से कम 50 कमेंट्स आने चाहिए। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 42 में कहा जा रहा है, फॉर द प्लांट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्म ऑफ वाटर इज, आप ये सब जानते हैं, इसका होगा ऑप्शन नंबर ए कैपिलरी वाटर। क्वेश्चन नंबर 40, पंचायती राज वाज फर्स्ट स्टार्टेड ऑन October 2, 1959 फ्रॉम, कहाँ से स्टार्ट हुआ था, ये तो आप सबको पता है, 43 का राइट आंसर होगा बी नगौर। फिर क्वेश्चन नंबर 44, विच क्रॉप इज कॉमनली अफेक्टेड बाय ग्रीन ईयर डिजीज, क्वेश्चन नंबर 44 का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 45 में कहा जा रहा है, फॉर द इफेक्टिव कंट्रोल ऑफ विल्ट पिजन पीस शुड बी इंटरक्रॉप्ड विथ, इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी होगा, मक्का के साथ। यहाँ पे फिर ये है 46 में कहा जा रहा है, बार्टलेट इज ए प्रोमिनेंट कल्टीवर ऑफ, क्वेश्चन नंबर 46 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ये जो है आपका नाशपाती का है। फिर क्वेश्चन नंबर 47 में कहा जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 47, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द परमानेंट मेथड ऑफ प्रिजर्वेशन ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल, तो इसका जो राइट आंसर होगा 47 का आपका ऑप्शन नंबर बी होगा, कैनिंग। दोस्तों अगर आपको कहीं पे कोई डाउट लगे तो आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और फिर यहाँ पर देखिए आप, अल्पाइन इज़ ए ब्रीड ऑफ, जो है अल्पाइन जो है आपका गोट का ब्रीड है। क्वेश्चन नंबर 51, यूज ऑफ लाइट ट्रैप्स फॉर द कंट्रोल ऑफ पेस्ट कम्स अंडर विच मेथड, ये जो है आपका आएगा बायोलॉजिकल कंट्रोल में। फिर चलते हैं आगे, कंसेप्ट ऑफ ट्रेनिंग एंड विजिट सिस्टम वाज इवॉल्व्ड इन, क्वेश्चन नंबर 52 का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों क्वेश्चन आप देख रहे हैं, क्वेश्चन का लेवल काफ़ी सही है, PGT में भी आपका इसी तरह का क्वेश्चन आएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 53, सर्वोदय स्कीम वाज स्टार्टेड बाय, जो ये तो आप सब जानते हैं, विनोबा भावे ने किया था सर्वोदय स्कीम जो है। फिर आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 54, ईयरली ब्लाइट डिजीज ऑफ पोटैटो इज, ये सॉइल बॉर्न है, एयर बॉर्न, सीड बॉर्न, ऑल ऑफ द एबव, इसका राइट आंसर क्या होगा आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। इसमें जो है ऑल ऑफ, मेरे हिसाब से इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी होगा, ऑल ऑफ द एबव, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिर आप मेथड ऑफ मास कम्युनिकेशन इज, इसका जो राइट आंसर है न्यूज़पेपर, सब जानते हैं। एलिमेंट एसेंशियल फॉर द डिफ्लोकेशन ऑफ सॉइल पार्टिकल इज, 56 का जो है राइट आंसर क्या होगा ये ऑप्शन नंबर डी। फिर आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 57 है यहाँ पर, उसमें कहा जा रहा है विच फ्रूट इज मोस्ट सुटेबल फॉर प्रिपरेशन ऑफ मार्मालेड, इसके लिए जो है आपका ऑप्शन नंबर डी ऑरेंज होगा, ऑरेंज इसका राइट आंसर होगा। फिर आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 58 में कहा जा रहा है सोयाबीन सीड कंटेंस कितना परसेंट इसमें ऑयल होगा और कितना परसेंट आपका ये प्रोटीन होगा, 58 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 59 में कहा जाता है, इन द फॉलोइंग विच वन इज नॉट ए मिल्स टाइप ऑफ इंडियन कैटल, तो ये जो है आपका ये जितना भी है यहाँ पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में तो कौन सी जो है भारतीय गायों की दुधारू नस्ल नहीं है, तो आप सबको बता दें यहाँ पर जितने ऑप्शन दिए गए हैं वो सब सही है, गिर है, साहिवाल है, रेड सिंधी है, बस और बस आपका जो है अमृत महल वो मिल्च ब्रीड नहीं है, तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी। फिर आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 60 में कहा जा रहा है, सीड प्लॉट टेक्निक्स एडॉप्टेड इन, सीड प्लॉट टेक्निक जो तकनीक को अपनाया गया है किस में, तो इसका 60 का जो है राइट आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर सी, पोटैटो, आलू में।
अब यहाँ पूछा जा रहा है, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 61, NDRI इज लोकेटेड एट, ये सब जानते हैं आप लोग, ये करनाल में है, ये तो सबको पता है, बहुत इजी क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल डिक्लेरेशन ऑफ कैन फ्रूट प्रोडक्ट, तो इसका जो राइट आंसर क्या होगा आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। इसका राइट आंसर मेरे हिसाब से जो है, मैंने इसको बहुत सर्च किया, मैं इसके डीप में इसको पढ़ने की कोशिश करी, लेकिन मुझे इस पर थोड़ा सा डाउट बना हुआ है, इसलिए मैं इसका आंसर नहीं करूंगी, आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 62, अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 63 के तरफ। तो यहाँ जो है इसका राइट आंसर पूछा, स्नो बॉल इज ए वेराइटी ऑफ विच क्रॉप, तो आप सबको पता है क्वेश्चन नंबर 63 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कॉलीफ्लावर। 64, विच वेजिटेबल ऑयल इज़ गुड फॉर हार्ट पेशेंट, हार्ट पेशेंट के लिए कौन सा वेजिटेबल ऑयल जो है वो सुटेबल होता है, तो आप सबको बता दें क्वेश्चन नंबर 64 का राइट आंसर होगा आपका ग्राउंडनट ऑयल। ग्राउंडनट ऑयल जो है वो हार्ट पेशेंट के लिए बहुत ही सही होता है। तो दोस्तों इस तरह से आप देख रहे हैं कि क्वेश्चन का जो है लेवल काफ़ी सही है, कुछ क्वेश्चन जो है काफ़ी घुमा के पूछा गया है, कुछ क्वेश्चन जो है बहुत ही ईजी है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं इस तरह के ईजी ईजी क्वेश्चन पूछे गए हैं। फिर आप टोटल नंबर ऑफ एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स एलिमेंट रिक्वायर्ड फॉर प्लांट ग्रोथ इज, ये जो है 68 का राइट आंसर 17 होगा। फिर आप यहां देख सकते हैं इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 69 में जो है आपका मैच वाला क्वेश्चन है, यहाँ पर जो है सब इसका नाम दिया हुआ है, कौन कौन सा डिजीज़ है, एंथ्रैक्स बैक्टीरियल डिजीज है, रिंडर पेस्ट जो है आपका वायरल डिजीज़ है, लीवर फ्लूक आपका इंडो पैरासिट डिजीज़ है, और लेकिन जो मिल्क फीवर होता है वो लैक ऑफ विटामिन ए यहाँ कहा जाता है, जबकि आप सब जानते हैं लैक ऑफ कैल्शियम की वजह से होता है मिल्क फीवर, तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो डी होगा। फिर हम आगे बढ़ते हैं, तो आप ये देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 70 में कहा जा रहा है द इफेक्टिव हैबिटेट फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस द लाइफ एंड डेवलपमेंट ऑफ प्लांट, ये सब होगा क्लाइमेटिक फैक्टर, इडैफिक फैक्टर, फिजियोग्राफिक एंड बायोटिक फैक्टर, इसका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी होगा। 71 में कहा जाता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए सीरियस इंसेक्ट ऑफ ओनियन एंड गार्लिक, ओनियन और गार्लिक के लिए सीरियस इंसेक्ट आपका क्या है, इसका राइट आंसर होगा 71 का जो है राइट आंसर होगा आपका थ्रिप्स। फिर आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 72 में कहा जा रहा है सीड रेट ऑफ कैरोट पर हेक्टेयर, कैरेट का जो सीड रेट है पर हेक्टेयर आपका होगा ऑप्शन नंबर डी, सॉरी ऑप्शन नंबर सी होगा, 5 से 6 kg, इसका 5 से 6 kg होगा, ये वाला जो ऑप्शन है इसका ये सही ऑप्शन है, कैरेट के लिए 5 से 6 kg होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 73 में चलते हैं, यहाँ कहा जा रहा है वेरी रिगोरस रूट स्टॉक ऑफ एप्पल इज, जो 73 का राइट आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर सी, M25। क्वेश्चन नंबर 72 का राइट आंसर अवरोधी वेराइटी जो है चिकपी का वो रिकमेंडेड फॉर द विच स्टेट, ये होगा उत्तर प्रदेश, इसका राइट आंसर उत्तर प्रदेश होगा। द क्रोमोजोम नंबर ऑफ रिवर बफेलो आर, 75 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी होगा, 50 होगा इसका राइट आंसर। फिर हम चलते हैं यहाँ, द मॉइस्चर कंटेंट ऑफ पनीर शुड नॉट बी लेस देन 70% से कम नहीं होना चाहिए, मॉइस्चर कंटेंट जो है 70% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए और 70% से कम भी नहीं होना चाहिए। अब हम चलते हैं यहाँ 78, क्वेश्चन नंबर 70, ब्लैक और ब्राउन हार्ट डिजीज इन सुगर बीट इज कॉज्ड ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ, 78 का राइट आंसर होगा आपका बोरोन, ऑप्शन नंबर सी। मोस्ट कॉमनली यूज प्लांट फॉर टॉपियरी मेकिंग, ये जो है इसमें थोड़ा सा ऑप्शन नंबर ए और सी में डाउट बना हुआ है, बट मेरे हिसाब से इसका राइट आंसर फाइकस स्पेसिस होगा। फिर हम चलते हैं, आप यहां देख रहे हैं कि पूछा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 80 जो है पोटेशियम क्लोराइड कंटेंस, इसका राइट आंसर होगा आपका 80 का राइट आंसर ऑप्शन होगा सी, 58 to 60%। फिर है टोडा इज ए ब्रीड ऑफ, 81 का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों यहाँ पर अब मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ, मुझे जो क्वेश्चन का आंसर एकदम सही लग रहा है, मैंने बहुत कोशिश किया है कि मैं आपको पूरी एक्यूरेसी के साथ बताऊँ, लेकिन अगर आपको थोड़ा सा भी कुछ पे डाउट है तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा, क्योंकि मैं यहाँ पे इस सब्जेक्ट की एक्सपर्ट नहीं हूँ, बट मेरे हिसाब से मैंने सोचा कि मैं इसको सॉल्व करती हूँ, तो मेरे से जितना बन पाया मैं इसका आंसर कर रही हूँ, आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 82 जो है, जमुनापरी इज़ नेटिव ऑफ, जमुनापरी जो है ये कहाँ का नेटिव है, ये आप सब जानते हैं उत्तर प्रदेश में इटावा डिस्ट्रिक्ट का नेटिव है जमुनापरी, इसका राइट आंसर सी होगा। फिर 83 जो है आप देख रहे हैं, 83 क्रिटिकल स्टेज ऑफ फर्स्ट इरिगेशन इन व्हीट कम्स आफ्टर, इसका राइट आंसर होगा सी, 21 से 25 दिन में आता है फर्स्ट वाटरिंग जो हम करते हैं उस, तो इसका राइट आंसर होगा
ऑप्शन नंबर सी। फिर यहाँ कहा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड एज फादर ऑफ टिलेज, फादर ऑफ टिलेज जो है 84 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जेथ्रो टूल फादर ऑफ टिलेज। फिर क्वेश्चन नंबर 85 द हस्कलेस वेराइटी ऑफ बार्ली इज, 85 का राइट आंसर होगा सी, डोलमा। फिर आप यहां पर 86 का राइट आंसर लिनसीड इज कॉमनली नोन एज, इसको कहते हैं हम फ्लैक्स, इसका राइट आंसर होगा ए। फिर चलिए हेडक्वार्टर ऑफ इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट कहाँ पे है, इसका होगा 87 का राइट आंसर होगा ए, ऑप्शन नंबर ए, नई दिल्ली, न्यू दिल्ली में है मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट का हेडक्वार्टर। फिर यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 88 का राइट आंसर होगा द यूनिवर्सल सॉइल लॉस इक्वेशन जो है ये किसने दिया था, 88 का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बिश्मियर एवं स्मिथ ने। फिर यहाँ पे बाराडारी इज एन इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ, ये मुगल गार्डन का इम्पॉर्टेंट फीचर है बाराडारी। क्वेश्चन नंबर 90 जो है यहाँ पर है द अरेंजमेंट ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी सॉइल पार्टिकल्स इज नोन एज, इसको हम लोग कहते हैं, क्वेश्चन नंबर 90 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, सॉइल स्ट्रक्चर। क्वेश्चन नंबर 91 जो है उसका राइट आंसर होगा आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज एंजाइम, ये एंजाइम इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, प्रोटीन। क्वेश्चन नंबर 92 द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सेट अप प्लानिंग कमीशन इन 1950 में, प्लानिंग कमीशन जो है आपका स्टार्ट हुआ था। फिर 93 क्वेश्चन नंबर सीड एक्ट वाज पास्ड इन विच ईयर, 1966, इसका राइट ऑप्शन सी होगा। फिर हम चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 94 में कहा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज मिल्क शुगर, तो 94 का राइट ऑप्शन जो है आपका राइट आंसर होगा लैक्टोज, बी, मिल्क शुगर कहते हैं हम लैक्टोज को। फिर यहाँ पे फादर ऑफ इंडियन रस्ट जो है ये पूछा जा रहा है, तो इसका राइट आंसर होगा के सी मेहता, क्योंकि यहाँ पे इंडियन रस्ट, फादर ऑफ इंडियन रस्ट पूछा जा रहा है। फिर क्वेश्चन नंबर 96 जो है मिल्क फीवर इन काउज, मिल्क फीवर इन काउ इज कॉज ड्यू टू द डिफिशियंसी ऑफ, इसका तो आप सबको पता ही होगा कैल्शियम, ये तो बहुत ही ईजी और सिंपल क्वेश्चन है। फिर क्वेश्चन नंबर 97 में पूछा जा रहा है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन FAO वाज एस्टेब्लिश्ड इन विच ईयर, 97 का राइट आंसर होगा 1945 में ये एस्टेब्लिश हुआ था। विंटरिंग इज ए स्पेशल ऑपरेशन डन इन, ये जो है इसका राइट आंसर होगा रोज, रोज में हम लोग विंटरिंग करते हैं। मेन कॉज ऑफ ब्लैक टिप इन मैंगो, ये जो है 99 का राइट ऑप्शन जो होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। फिर है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 100 का, आप लोग मुझे आंसर बताइएगा, मैं यहाँ पे इसमें कंफर्म नहीं हूँ। 101 जो है रिफ्रैक्टोमीटर इज यूज्ड फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ, रिफ्रैक्टोमीटर को हम लोग यूज करते हैं टोटल सॉल्यूबल सॉइल के लिए, TSS के लिए, इसका सी होगा। फिर क्वेश्चन नंबर जो है यहाँ पर पूछा जा रहा है टोटल एग्रो क्लाइमेटिक जोन, उसका आंसर 15 होगा। फिर आप देख रहे हैं 103 काउ ब्रीड राठी, ये तो सबको पता है ये राजस्थान का है, कॉमनली फाउंड इन राजस्थान में पाया जाता है, राठी जो है वो राजस्थान में पाया जाता है, ऑप्शन नंबर सी। फिर यहाँ पर आप देख रहे हैं 104 में स्पॉन्जिंग टाइप ऑफ माउथ पार्ट्स आर फाउंड इन, इसका जो है क्वेश्चन नंबर 104 का राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर डी होगा, ऑल ऑफ द एवब। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, ज़्यादा अगर मैं यहाँ पर वो करने लग गई डिटेल में आपको तो बहुत ही ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 107 में आप देखिए आइसोलेशन डिस्टेंस फॉर फाउंडेशन सीड प्रोडक्शन इन ब्रिंजल जो है वो 107 का ऑप्शन नंबर जो है राइट आंसर 200 मीटर होगा, आइसोलेशन डिस्टेंस फॉर फाउंडेशन सीड इन ब्रिंजल इन 200 मीटर। फिर हम देखते हैं इस तरह से आप देख रहे हैं रेड सॉइल आर मेनली फाउंड इन, रेड सॉइल जो है सब कहाँ पाया जाता है, इसका राइट आंसर होगा तमिलनाडु। ये जो है कुछ क्वेश्चंस तो बहुत ही सिंपल और बहुत ही इजी है। क्वेश्चन नंबर 110 द ग्रासी सूट डिजीज ऑफ शुगर केन इज कॉज्ड बाय माइकोप्लाज्मा लाइक ऑर्गेनिज्म। फिर आप देख रहे हैं क्रिकेट बॉल इज पॉपुलर वेराइटी ऑफ, ये उसका राइट आंसर होगा सपोटा। फिर हम देखते हैं द टिलेज ऑपरेशन दैट इज डन इन ए फील्ड विथ स्टैंडिंग वाटर कॉल्ड इज, ये जो है इसको आप सब जानते हैं पुडलिंग होगा। फिर फ्लेम फोटोमीटर यूज फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ, फ्लेम फोटोमीटर को हम लोग यूज करते हैं पोटेशियम डिटर्मिनेशन के लिए। अब हम लोग चलते हैं उमरान इज ए वेराइटी ऑफ, क्वेश्चन नंबर 114 जो है इसका राइट आंसर होगा बेर, बेर का वेराइटी है उमरान। फिर हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 115 पैराक्वेट वीडिसाइड इज, तो इसका राइट आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर बी, नॉन सेलेक्टिव।
द प्लेस वेयर गांधी जी स्टार्टेड हिज सेवाग्राम प्रोजेक्ट, वह स्थान जहाँ से गांधी जी ने अपनी सेवाग्राम परियोजना की शुरुआत की थी, तो उस जगह का नाम है वर्धा। यहाँ से इन्होंने सेवाग्राम प्रोजेक्ट का इसको स्टार्ट किया था। क्वेश्चन नंबर 118 में आप देख रहे हैं, कोलोस्ट्रम इज रिसोर्स ऑफ, जो है इसका आपका ऑल ऑफ द एवब होगा यह आंसर, ऑप्शन नंबर डी। फिर हम चलते हैं, आप यह देख रहे हैं इस तरह से जो क्वेश्चन है बहुत ही इजी पूछे गए थे। दोस्तों मैं आप सबको फिर से बता दूं कि आपको ये क्वेश्चन का पीडीएफ चाहिए तो आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए, मैं इसको टेलीग्राम पे अपलोड कर दूंगी। क्वेश्चन नंबर 121 जो है यहाँ पर देखिए, इसमें बहुत सारे स्टूडेंट जो है कन्फ्यूज़ हो गए हैं, तो इसका जो है एडल्ट फीमेल गोट इज़ नोन एज, जो है ये आपको डो कहा जाता है। बहुत ने इसका आंसर गलत कर दिया है, तो इसका राइट ऑप्शन जो है ऑप्शन नंबर बी होगा राइट आंसर जो है इसका। फिर आप देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 122, पूसा चेतकी इज ए वेराइटी ऑफ, पूसा चेतकी जो है मूली की वेराइटी है, तो इसका राइट आंसर सी होगा रेडिस। तो आपने ये देखा लैंड टू लैंड प्रोग्राम इन 1979 वाज लॉन्च्ड बाय, किसने कहा ये जो है आईसीआर ने लॉन्च किया था लैंड टू लैब प्रोग्राम, इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी ए होगा। फिर हम चलते हैं आगे, तो क्वेश्चन नंबर जो है लास्ट क्वेश्चन, सुटेबल वेराइटी ऑफ ऑनियन फॉर खरीफ क्रॉप इज, इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी एग्रीफोन डार्क रेड वेराइटी। तो दोस्तों आपने देखा है इस तरह से जो ये क्वेश्चन, टोटल 125 क्वेश्चन आए थे। तो आप सबको मैं बता दूँ, जितने भी पीजीटी का पेपर देने जाएंगे उनके लिए ये क्वेश्चन पेपर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आप सबने ये पूरा क्वेश्चन देखा, आपको ये फुल पीडीएफ चाहिए तो मैं टेलीग्राम पे अपलोड कर दूंगी, टेलीग्राम का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आया होगा और आपके लिए काफ़ी यूजफुल होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए और चैनल के साथ बने रहिए। इसी तरह के क्वेश्चंस एग्जाम का जो भी कुछ होता है मैं जल्द कोशिश करती हूँ, मेरी कोशिश होती है कि मैं जल्द से जल्द अपलोड करूँ, और मेरी कोशिश होती है कि मैं हड़बड़ी में ये नहीं कि आपको गलत आंसर बता दूँ, मैं थोड़ा टाइम लेती हूँ और मुझे जिसका मैं श्योर नहीं होती मैं आपको नहीं बताती हूँ। तो दोस्तों इस तरह से जो है ये TGT 2021 एग्रीकल्चर का पेपर, जिसका कि यहाँ पर आपने देखा सॉल्यूशन, फिर से हम लोग PGT का जब एग्जाम होगा तो इसी तरह देखेंगे। तो आप लोग चैनल के साथ बने रहिए, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।